Meghani right corner par thoda sambhal kar khelte hue shuruaati raids mein kisi tarah ka jokhim lena nahi chahte sahi ranneeti right cover ko dekho kaise lagatar pressure banane ki koshish yahi kaam hai right cover ka misam abbasi hai wahan gulistan ke rehne wale ye bahut jaldi se raid shuru kar di hai number 2 mohammad ismail nabi bakhsh ne 27 varshiya khiladi apna pehla asian games khel rahe hain मोहम्मद नबी बख्श कंप्लीट डिफेंस सात खिलाड़ी चूंकि अभी जस्ट मुकाबला शुरू हुआ टच का दावा संदीप नरवाल पर दोनों के अपने अपने दावे हैं अपनी लीग टीम के लिए भी हमेशा डुओ डाई रेडर होते हैं ये क्या पॉइंट गिफ्ट कर दिया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी उनको अटेम्प्ट किया था रेशंक देवाडिका ने और पेस देखिए मोहसिन का पेस डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश लेकिन डिफेंस ने शानदार काम किया कई भारी नहीं और सबसे बड़ी बात कि जब आप टीम में इस तरह के परिवर्तन करते हैं एक साथ बड़ा और ये देखिए एक बार फिर डिफेंस में काम किया गिरीश एर्नाक लगातार दूसरा टैकल गिरीश एर्नाक का कामयाब इस बार भी रेशंक आए हैं लेकिन इस बार डिफेंडर सामने कम है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल चार के डिफेंस में आसान नहीं और ये देखिए टैकल अब्बासी का अनावश्यक टैकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है अनावश्यक टैकल के लिए गए और आउट हादी और स्ट्रोक प्रदीप को पहला पॉइंट गजब का प्रदर्शन गिरीश एर्नाक का और ये देखिए जिस काम के लिए लाया गया था मकसूदू को उन्होंने वो काम कर दिया टैकल किया टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उन्हें दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है अबुजार मेघानी अंदर आ गए हैं अबुल फजल बाहर चले गए हैं सुपर टैकल सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात के ये सुपर टैकल हो गया अजय ठाकुर का हाथ अंदर आया जरूर लेकिन बाहर से जो कि वैलिड लीगल नहीं होता तो यानी कि दो पॉइंट्स ईरान को मिले ईरान मुकाबले के अंदर लौटता हुआ यहां देखिए वक्त निकलता जा रहा है रेडर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सही रणनीति इस तरह से रेशंक किस 30 सेकंड के वक्त को काटेंगे राइट कॉर्नर को टच करके निकलना चाहते थे लेकिन सुपर टैकल यानी कि ईरान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भारत के पांच का डिफेंस अंदर गए थे मकसूदू डैश कर दिए गए बेहतरीन डैश रेड पर इस समय मोनू को यह तीन का डिफेंस सुपर टैकल का मौका अगर सुपर टैकल हो गया तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा मोनू को एक के लिए पहली रेड और ये सुपर टैकल क्या डिफेंस खेल रहा है ईरान का जब लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली लंबे समय तक बाहर बैठे बहुत लंबे समय से कोर्ट पर नहीं थे ये देखिए प्रेशर उल्टा लॉबी में पैर चला गया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श और इस बार टैकल इंडिया का अच्छा टैकल दीपक निवास हुडा का पहला हाथ गिरीश एर्नाक थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश और ये आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले मेंस कबड्डी का सेमीफाइनल 20 मिनट का खेल हो चुका है और सात बार की डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ईरान ने 9-9 की बराबरी पर रोक रखा है राहुल चौधरी रोहित कुमार अब तक उनको टीम में शामिल नहीं किया गया स्पाइन हाफ टाइम के बाद की पहली रेड जब मैच शुरू हुआ था तो भारत ने पहली रेड की थी यहां स्माइल पहली रेड पर आए हैं पांच का डिफेंस कोर्ट में इस समय मुख्य रेडर सिर्फ एक रेशंक देवाडिगा हैं दीपक हुड्डा और संदीप नरवाल दो ऑलराउंडर्स मौजूद हैं हादी अस्तरोक टू अटाई में आए हैं डिफेंस को संभल करके खेलना होगा सामने गए जबरदस्त ब्लॉक किया गिरीश एर्नाक ने मोनू गोयत अब रेड पर गए हैं यहां तीन का डिफेंस है मोनू गोयत लॉबी में आए इसका मतलब उन्होंने अबुजार को टच किया है जो कि राइट कॉर्नर में खड़े थे एक और पॉइंट भारत के लिए अबुजार पहली बार आउट हुए हैं इस मैच में दूसरा पैर उस समय हवा में और ये ऑल आउट तो नहीं हुआ एक और सुपर टैकल हो गया चौथा सुपर टैकल अजय ठाकुर
हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, बड़े दिलेर खिलाड़ी हैं। इस तरह की चोट खैर खेल जीवन का हिस्सा है, लेकिन ब्लीडर हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, यही प्रसाद राव कह रहे हैं, जो कि इससे पहले तीन जबरदस्त टैकल कर चुके हैं। एक और एफर्ट बोनस का, और पिछले सुपर टैकल के बाद ईरान दोबारा से लीड में आ गए हैं। ईरान की लीड 2 पॉइंट की हो चुकी है। अब 3 विसल बजने के बावजूद रेडर को नहीं छोड़ना बहुत बड़ा फाउल है। एक और सुपर टैकल, ईरान का डिफेंस कमाल कर रहा है, जबरदस्त डिफेंस करता हुआ ईरान। पहले भारत ने यही नीति अपनाई थी, दो टच की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं। ये देखिए यहां पर टू टच का एफर्ट, फिर कस्मे, पता नहीं वो झुकते हैं और उसके बाद कस्मे खाना शुरू कर देते हैं, देखना होगा। दोनों का दावा है वीडियो रेफरल का। मैंने पहले ही कहा सुनील कि खेल भावना पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई है, और जिस तरह की टेंस मोमेंट्स हैं, तनाव के क्षण हैं। ये देखिए प्रदीप नरवाल का भी टैकल हो गया, आप देख लें 1/4 पॉइंट ज्यादा, ये हुआ टैकल जिसकी जरूरत थी। डू और डाई रेट पर प्रेशर था रेडर पर, इनको पहले भेजना चाहिए था कोर्ट में। और देखिए डिफेंस उन पर अटैक कर नहीं रहा है, लेकिन अगर करेगा तो सामूहिक अटैक होगा ये मानकर चलिएगा। और अबोदार अंदर आ चुके हैं, दोनों रेगुलर कॉर्नर इस समय पोजीशन में हैं। राहुल इनके खिलाफ कई बार खेल चुके हैं, क्या हैंड टच हुआ, बिल्कुल हुआ, अबोदार को बाहर जाना पड़ेगा। इस्माइल नबी बख्श इस टीम के उन 6 खिलाड़ियों में से एक है, क्या टच किया गया है, बहुत कॉन्फिडेंट है इस्माइल। दीपक कह रहे हैं अगर टच किया है तो लॉबी में जाइए, लेफ्ट कॉर्नर से दौड़ लगानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा अंदर वो चले गए थे। ये दौड़ लगाई है फजल ने और ये कॉन्फिडेंस है, लीड 5 पॉइंट की हो गई। लगातार वक्त निकलता जा रहा है, बोनस की कोशिश की और इसके साथ ही राहुल चौधरी को भी टैकल कर लिया गया, लेकिन ये टैकल देखिए उनकी शर्ट वगैरह सब उतर गई। अब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ ही क्या भारत ऑल आउट हो चुका है। ओह 10 पॉइंट का फासला ईरान के फेवर में, 4 मिनट का वक्त बाकी, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले और 10 पॉइंट की लीड ईरान ने बना ली, लीड हो गई 11 पॉइंट की, जिसमें से रोहित कुमार के दर्शन नहीं हुए। प्रदीप जब जब रेड करने आते हैं इस तरह से शिकार होकर जाते हैं। मोनू गोयत लगातार टैकल हुए हैं, अजय ठाकुर लगातार टैकल हुए हैं। आपको याद होगा प्रदीप नरवाल ने एक मैच में एक रेड में 9 पॉइंट लिए थे, वो यहां होने नहीं वाला है। 2 पॉइंट मिल गए हैं ऋषंक देवाडिगा को, तो हर रेड सुपर रेड होनी चाहिए, उसके आसार है नहीं। बिल्कुल कबड्डी के इवेंट से बाहर निकलने के नजदीक ऋषंक देवाडिगा, सब कुछ झोंकना चाह रहे थे, लेकिन ये डिफेंस जो कि लगातार यूनाइट होकर खेल रहा है। 2 मरतबा उन्होंने खेल भावना को कुचला है, उसके लिए भी उनकी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना होगी, लेकिन गोल्ड मेडल की दौड़ में भारत अब बाहर हो चुका है। 18वें एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत के लिए सबसे बड़ा झटका, भारत फाइनल तक नहीं पहुंच सका, और ईरान ने तकरीबन एक तरफा मुकाबले में, खासतौर से दूसरे हाफ में एक तरफा होते हुए मुकाबले में स्टार भारतीय टीम को शिकस्त दे डाली। कहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंस ये भी एक वजह, क्योंकि जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है शुरू से ही लक्षण लग रहे थे। आपने इतने मैचेस देखे सुनील, तमाम मैचों में रेडिंग में काफी परेशानी आई, और जिस बात का हमने जिक्र किया था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आप तमाम स्टार्स को अगर टीम में लेकर के आते हैं, सब स्टार्स अगर टीम में है तो फिर इस तरह की परेशानियां होती हैं। बेशक सारे सितारों को संभालने के लिए एक चांद चाहिए था, एक अनुभवी कैप्टन चाहिए था, वो भारतीय टीम में नहीं है। अजय ठाकुर को इससे पहले बहुत ज्यादा कप्तानी का अनुभव नहीं है, मुझे अभी भी लगता है कि अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर और सुरजीत सिंह, एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, 2 एक्सपीरियंस्ड कवर होने चाहिए थे,
क्योंकि इस तरह की सिचुएशन भारत ने पहले भी देखी है। दो एशियन गेम्स में